जोहार सर। जोहार जोहार। सर मेरा नाम बसंती सुंडी है, गांव का नाम रोड़ो है। सर हम लोग का गांव बहुत जंगल अंदर था, जिसकी लाइट नहीं होने की वजह से सर हम लोग को अंधकार होने से पहले ही महिलाएं पहले ही सारा खाना वाना ये खा रोरो की करके 6-7 बजे जनसंख्या में ही कितनी सो है? जाती है सर। 500 समथिंग कुछ है अच्छा। जी। तो अंधकार होने से पहले ही सर सब कोई सो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर गरीब लोग हैं कुछ, तो फिर किरोसिन भी नहीं खरीद सकते थे, तो अंधकार हो जाएगा बोल के सर पहले ही वो लोग खा के सो जाते थे शाम होने से पहले ही। तो अभी मैंने ऐसा लगता भी नहीं था, बहुत जंगल अंदर होने करके वहाँ कोई गाँव भी है, खूब अंधेरा सर, बाहर निकलने में भी औरतें बहुत डरती थी, इसीलिए बहुत हम लोग को परेशानी होता था। लेकिन बिजली आने के बाद सर अभी हम लोग का गांव पूरा रोशन हुआ है सर, अब लगता है कि वहाँ कोई गांव भी बसा हुआ है। बहुत खुश हैं सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस सबके गांव की ओर से। और सर हमारे यहाँ पानी भी कभी सक्सेस नहीं हुआ, चापाकल बनता है पर वो पानी नहीं निकलता सर, 1-2 बाल्टी से ज़्यादा नहीं। तो अभी ऐसा है कि डीप बोरिंग करके हम लोग वहाँ से पानी आसानी से पीने का पानी हम लोग नदी से लाते थे सर पहले, अब हम लोग पीने का पानी भी अच्छे से हम लोग को मिल जाता है चलिए, सर। मेरी आपको तरफ बहुत से बहुत आपको भी धन्यवाद। बधाई और गांव वालों को भी बधाई। अब इस बिजली थैंक का यू। सही उपयोग गांव के विकास में हो, गांव के लिए सब अच्छे काम के लिए हो, यही मेरी अपेक्षा रही है। आइए हम झारखंड में ही पलामू चलते हैं। प्रणाम सर। नमस्ते जी, जोहार, प्रणाम सर। प्रणाम। मेरा नाम अनीता देवी है, मैं ग्राम हरभोंगा चैनपुर ब्लॉक जिला पलामू राज्य झारखंड से आई हूँ। सर हमारे गांव में बिजली 2016 से आई है और हमारे घर में भी 2016 से बिजली लगी है सर। बिजली नहीं होने की वजह से हमारे घर में बहुत सारी परेशानियाँ आई, जैसे हम लोग को बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, हम लोग खाना नहीं बना पाते थे, खाना बनाने मतलब जाते तो हम लोग का हाथ भी जल जाता और कीड़ा मकोड़ा पड़ जाता, घर में डांट भी सुनना पड़ता था, इस वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत भी होता था, हम पहले लोग बाहर पहले मोबाइल बिजली नहीं चेक। होगी तो बच्चों की शादी भी नहीं होती होगी। लोग गांव में बच्चियां देते नहीं होंगे आपके गांव में। नहीं सर, और हम लोग को मोबाइल चार्ज भी नहीं हो पाता था, किसी से बात भी नहीं होता, अगर कहीं देते भी तो चोरी होने का डर रहता था। लेकिन अब लाइट आ जाने की वजह से सारी दिक्कत दूर हो गई है सर, हम लोग के घर में अच्छा, लाइट और भी कोई सारी। है पलामू में बात करना चाहते हैं? प्रणाम सर, नमस्ते जी। मैं चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता ग्राम सुसीगंज प्रखंड छतरपुर जिला पलामू से हूँ सर। मेरे गांव में 2016 में बिजली आई है सर, और ऐसी सुविधा मिली है सर जो बरसों पहले मैंने शहरों में देखा करता था, वो सुविधा आज हमारे छोटे से कस्बे छोटा सा देहात गांव में सुविधा उपलब्ध हो गई सर। नहीं, गांव में प्रज्ञा इसका केंद्र उपयोग वहाँ के कोई काम धंधा, रोजगार, कुछ और काम, ऐसा नई चीज़ शुरू हुई जिसके कारण लोगों को आर्थिक लाभ हो, ऐसा कुछ शुरू हुआ क्या? बहुत जी सर, वहाँ पर प्रज्ञा केंद्र खुला सर, लोग दुकानें खोले सर, वेल्डिंग की दुकानें चल रही हैं सर, जीरोक्स की दुकानें खुली हैं, जीरोक्स मशीनों की दुकान खुली है सर, कोल्ड ड्रिंक्स वहाँ पर मिलने लगे हैं सर। प्रज्ञा केंद्र से हम लोग सर बहुत सारे लाभ ले रहे हैं, जाति स्थानीय सारे चीज़ को ऑनलाइन कराने के लिए हमको शहर जाना पड़ता था, वो सारी सुविधाएं हमें अब गांव में मिलती है सर। हरे घर शाम होते ही सर दुधिया रोशनी से हमारा गांव जगमगा उठता है सर, अजीब सा परिवर्तन हुआ है हमारे गांव में सर, चलिए, आपको विकास बहुत बहुत देख। बधाई। आइए हम उड़ीसा चलते हैं। नमस्ते सर। जोहार नमस्ते जोहार। ललिता तुम्हें नायक कैमी थी हेलो अच्छे? हाँ हेलो सर, बताइए। मोर ललिता नायक सर, मोहना ललित नायक, मोना ललिता नायक ग्राम लाखुवाड़ी जिला रायड़ा। आप कोई फर्क नहीं सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ सर बताइए। नमस्कार सर, मोर नाम नारायण नायक हो हाँ, मेरा नाम नारायण नायक, मोर घर लाखुवाड़ी पंचायत गुम्मा जिला रायगढ़ सर। आमर छोट बेलू आम कि बिजुली बोलवा प्रदेशा आम जान बच्चे समय से हम बिजली नहीं देखे थे।
हमारे गांव में एबे आमर नजर रे बिजुली देखायला जे गुटे आखी को दुईटा आखी बोले लागे अभी हम आंखों में गांव के लोगों की आंखों में अभी रोशनी आ गया है एबे हमको बहुत सुविधा है अभी आगरे बहुत जंगल आमर गांव होची पहाड़ तले आमो गांव ये पहाड़ के नीचे पहाड़ी इलाका में हमारा गांव स्थित है से गांव नहीं सर साप बेंग एमिति घर भीतर जाको पोसी पोसी जाउथिले हमको जणा पड़ नथिला रोशनी नहीं होने से पहले हम बहुत तकलीफ में रहते थे जंगल की एरिया में एबे जो जति की बेले बिजुली आइला सेते बेल रो हमको साप बेंग कुहाड़े पड़ेला सर आ हमको बहुत बहुत धन्यवाद खुशी लागला हमर सरकार अभी बिल्कुल बिजली के नाते कोई भय भी नहीं में तो अभी अभी गांव में टीवी आ गया क्या टीवी टीवी अच्छी की गारे टीवी भी अच्छी टीवी लगाउछु हमर सरकार मान को भी देखी पारुछु हमें से हमर प्रधानमंत्री सार मान को भी मैं तो देखी पारुछु आउ तापरे सिनेमा फिल्मा भी देखी पारुछु हमें आगरे आप प्रधानमंत्री को देखते हो सिनेमा देखते हो जगन्नाथ जी की यात्रा देखे कि नहीं इस बार जगन्नाथ महाप्रभु देखी पारुछु आम रायडार जगन्नाथ महाप्रभु देखी पारुथुलु देखी पारुछु आउ तापरे आमर सबु इयरे आमर करंट आइला बेसी सुविधा हला मैं भी आपको देखी छु मैं भी आपको देखी छु।